पहली बार दारा कैसा लग रहा है? अब दिल की बात ये बता, अकेले सरवाइव कर लेगा? बिल्कुल, थोड़ा हल्का सा भावुक लग रहा है मेरे को, भावुक सा हो रहा है। हाँ। है सारे काम खुद से करके छोटे को बधाई दो, ऑल द बेस्ट करो। अंकल कैसा लग रहा है? बेटा बाहर जा रहा है। बेटा बाहर जा रहा, अच्छा लग रहा है? अब थोड़ी देर में रोना आ जाएगा आपको। मतलब किसी एजेंट को कोई पैसा नहीं दिया, कुछ नहीं दिया, सारे काम खुद कराए। बेटा विदेश जा रहा है, कितना कितनी खुशी है, बहुत खुशी। लेकिन रोना नहीं है, नहीं। पक्का है ना? वो तो 10 मिनट बाद पता लगेगा। मैं माँ हूँ। सबसे बड़ा तूने देश का नाम रोशन किया है कि तू ऐसी कंट्री पे जा रहा है जहाँ पे कोई नहीं गया आज तक। अच्छा लगा। कनाडा में किस जगह जा रहा है? ब्रांटफोर्ड। अब दिल की बात ये बता, अकेले सरवाइव कर लेगा? है बिल्कुल, थोड़ा हल्का सा भावुक लग रहा है मेरे को, भावुक सा हो रहा है। हाँ। है तो दोस्तों, छोटा भाई पहली बार जा रहा है कनाडा, और अपनी मेहनत से सारे काम कर किसी को परेशान नहीं करा, माता पिता को कि मेरे को ये चाहिए वो चाहिए, सारे काम खुद से करके अकेला कनाडा जा रहा है। छोटे को बधाई दो, ऑल द बेस्ट करो। अंकल कैसा लग रहा है? बेटा बाहर जा रहा है। बेटा बाहर जा रहा, अच्छा लग रहा है? अब थोड़ी देर में रोना आ जाएगा आपको। लेकिन आपने प्राउड फील करना है, वो चीज़ को फील नहीं करना कि भाई आपने ये देखना है कि परिवार में नाम रोशन कर दिया आपके बेटे ने। हाँ भाई, बड़ा भाई जा रहा है कनाडा, कैसा लग रहा है? मज़ा आया। मज़ा आ गया ना? रोना नहीं है, ठीक है ना? रोना नहीं है, रोना नहीं बेटा। है दिपिन, तू तो वैसे रोती नहीं है, अभी रोना नहीं बेटा, ठीक है ना? दोस्तों ये मासी का बेटा है। अच्छा ये बता, जनता को ये बताओ कि आपने किस तरीके से विचार किया था और कैसे प्लानिंग करी थी? आप शॉर्टकट बताओ, आप कनाडा इतनी जल्दी कैसे जा रहे? क्योंकि आयुष मेरे को भी हैरानी हुई कि तूने जब गुड न्यूज़ दी ना मेरे को कि सन्नी में कनाडा की मेरी टिकट हो गई, ये सारे काम हो गए, अब सब कुछ अप्लाई हो गया, ये तूने सारे काम जल्दी जल्दी कैसे करे? जल्दी तो नहीं, 6 महीने लग गए थे मेरे को। अच्छा, फैमिली में डिस्क्लोज 6 महीने के बाद किया जब सब काम हो गया। तूने अप्लाई कैसे करा, तेरा जल्दी नंबर कैसे आ गया, लोग तरस जाते हैं? नहीं, जल्दी नंबर तो नहीं आया मेरे को, भी 6 महीने लग गए, बट किसी को खबर नहीं थी जब मैंने अप्लाई किया, तो ये चीज़ थी। छोटे भाई ने अपनी मेहनत से ऑनलाइन सारे काम अप्लाई करके घर वालों को खुशखबरी दी कि मैं कनाडा की, मेरी सारे काम हो गए हैं। घर वाले भी हैरान हो गए कि छोटे ने अपने बलबूते पे, मतलब किसी एजेंट को कोई पैसा नहीं दिया, कुछ नहीं दिया, सारे काम खुद कराए। राइट, बहुत बड़े प्राउड ऑफ यू। मामी कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। मामी कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया। सोनू अच्छा लग रहा है तेरे को? सोनू खुश है। मामा कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा। मासी बेटा विदेश जा रहा है, कितना कितनी खुशी है, बहुत खुशी। लेकिन रोना नहीं है, नहीं। पक्का है ना? वो तो 10 मिनट बाद पता लगेगा। मैं माँ हूँ। हाँ। अच्छा मासी, किसी को परेशान भी नहीं करा कि पैसे दो मेरे को, ये करो, सारे काम खुद कर लिए? बिल्कुल, ऊपर वाला है ना। हाँ। आयुष, आयुष, आयुष भाई, जनता को ये तो बता किस बेस पे तू बाहर जा रहा है, क्या करना चाहता बाहर जाकर तू? पढ़ाई करनी है पहले तो। पढ़ाई करने जा रहा है? पढ़ाई करने। किस, क्या स्टडी करने जा रहा है? आईटी। अच्छा आईटी, बहुत बढ़िया। और कनाडा में किस जगह बेटा? ब्रांटफोर्ड। है ब्रांटफोर्ड। तो दोस्तों, मेरा छोटा भाई अकेला जा रहा है, और मेरे कोई फैन भाई अगर इस जगह पे हैं तो मेरी इंस्टा आईडी नीचे आ रही, कमेंट करना। छोटे का सपोर्ट की जरूरत है वहाँ पर बहुत ज़्यादा, वैसे तो बहुत हिम्मत वाला है, इसको सपोर्ट करना। लेकिन आप और आप देख सकते हैं इस टाइम रात को एयरपोर्ट खड़े हैं, टाइम हो रहा है, टाइम कितना हो रहा है भाई? 4:05। बहुत बढ़िया। और यहाँ पे एक बड़ी मुसीबत हमारे लिए हो गई है कि हम गाड़ी को पार्किंग में लगा कर नहीं आए हैं, इसका चालान तो कटवाऊंगा 5,000 रुपये का मैं। अंकल आपका भी कट सकता है 5,000 का, मेरा नहीं कटेगा बस। मेरा नहीं कटेगा। हाँ, सेल्फी ले ले अच्छे से, सेल्फी ले ले सबके साथ। सेल्फी, ओए होए सेल्फी, चले भी जल्दी करो, वीडियो वीडियो ऑन है, देखा आगे आ जा। कनाडा में जो भी मेरे प्यारे भाई रहते हैं मेरे को मैसेज करो, छोटा मिलने आएगा और आप भी छोटे से मिलने आना, ठीक है ना? मासी का बेटा है, रोना रोना नहीं, रोना नहीं, इतनी करा जा। अच्छा आयुष, अभी जनता को ये भी बता, अभी बहुत सारा सामान तेरे पास है, अभी तेरे को राहत मिली है, तूने ऐसा क्या किया है तेरे को राहत मिल गई है? वो पर्ची निकाल के दिखा एक बार यार। अच्छा, ये सर्विस क्या काम करती है जनता को ये बता, जो बंदे नए जाएंगे उनको दिक्कत नहीं आएगी? चेक इन बैग्स। भाई ने 500 रुपये की सर्विस बुक करी जिसमें सारा सामान भाई लेके जाएगा अंदर, और भाई को अंदर जानकारी नहीं सारी चीज़ें, भाई एंट्री करवाएगा, बोर्डिंग पास दिलवाएगा, एंट्री करवाएगा, राइट? बिल्कुल, सारे काम अंदर करवाएगा ना, एयरपोर्ट की तरफ से ही है। न्यू कमर्स हैं उनके लिए बहुत हेल्पफुल है। हाँ, ले भाई छोटे। आयुष इधर आ भाई, तेरे किसी भी बैग के अंदर कोई इलेक्ट्रॉनिक चीज़ नहीं होनी चाहिए, वो निकाल देंगे।
रखी तो नहीं तूने? इलेक्ट्रॉनिक चीज तो इसमें है ना, क्या नहीं है? हाँ चेक इन वाले मत रखी हो, जो जो तेरे को हाथ में बैग लेके जाना ना उसमें रख लियो, चेक इन मत रखियो, निकाल देंगे वो। आयुष चल बेटा, लव यू। कनाडा पहुंच के फोन करियो, तेरी तेरी नॉन स्टॉप तो नहीं होगी ना फ्लाइट? कहाँ पे रुकेगा तू? पोलैंड में। पोलैंड में रुकेगा, बहुत बढ़िया। तो दोस्तों देखो, आप हिम्मत देखो पिताजी की, बहुत मेरे को प्राउड फील करा दिया, रोए नहीं है, मेरे को दिल खुश कर दिया। अंकल नमस्ते, लव यू, बहुत बढ़िया। कोई भी नहीं रोया, उदास नहीं होना, देख उड़िया उदास तो नहीं होना ना, बहुत बढ़िया। हिम्मत नहीं तोड़नी मामा, रोना किसी ने नहीं है। उदास होने वाली क्या बात है, खुशी की बात है ये, हमारा बेटा बाहर जा रहा है। नहीं खुशी की बात है, हमारा बेटा बाहर जा रहा है। क्या बात है, क्या बात है, प्राउड फील कर रहे हैं हम, अच्छा लग रहा है, हमारा बच्चा बाहर जा रहा है, बहुत बढ़िया लग रहा है, खुशी हो रही है, मजा आ रही है। दोस्तों छोटा भाई कनाडा जा रहा है, बहुत ही कम समय में इसने सारे काम ऑनलाइन कर लिए और कनाडा की टिकट भी हो गई, सारे काम भी हो गए, कनाडा पहुंच रहा है, पहली बार जा रहा है, फर्स्ट एक्सपीरियंस है। वहां पहुंच के मेरे को बताएगा कैसा लगा कैसा नहीं लगा, और मतलब अपनी मेहनत से सारे काम खुद करे, किसी को परेशान नहीं करा, किसी एजेंट को बुक नहीं करा। जब भी आप एयरपोर्ट पे आओ, सामने गाड़ी की पार्किंग है, वहां लगा कर आना, यहां पे गाड़ी आपको खड़ी करने नहीं देंगे। अगर आपने यहां पे गाड़ी खड़ी कर दी एयरपोर्ट पे, तो आपका 5,000 रुपये का चालान कटेगा, और इस 5,000 के चालान को आप जितनी मर्जी अप्रोच लगाओ बचा नहीं सकते, आपका चालान कटेगा ही कटेगा। आपने क्या करना है, परिवार का सदस्य कोई पहली बार एयरपोर्ट आ रहा है और आपने उसको उतर के मिलना है, गले मिलना है, रोना है और प्यार करना है, तो आपने गाड़ी सामने लगानी है पार्किंग में, उस तरफ T3 पे खड़ा हूँ मैं, सामने लगानी है अपने का, और उसके बाद पैदल चल के आना है यहाँ पर आपने, फिर आपका चालान भी नहीं कटेगा, आराम से मिल भी सकते हो, बातें भी कर सकते हो यहाँ पर, उसके साथ कुरकुरे भी खा सकते हो, मैगी भी खा सकते हो, मोमोज भी खा सकते हो, सारे काम कर सकते हो। आपने गाड़ी यहाँ पर नहीं लगानी, यहाँ पे गाड़ी लगाओगे तो पीछे सायरन बजाना शुरू हो जाएगा, पुलिस वाले आ जाएंगे, आपको यहाँ मोहनत मिलेगी, तीन मिनट की गाड़ी लगाने की बस, ठीक है? मैं जैसे बोर्ड करता हूँ उससे पहले मैं आपको कॉल करूँगा, ठीक है? अच्छा बाय बाय, ध्यान रखना। अच्छा मामा जी, ये रख लो। मामी भी, मामी 21,000 रुपए देगी, मामी 21,000 रुपए दो, सारा कुछ इसी का ही है, आशीर्वाद ही दे दे, सबसे बड़ा आशीर्वाद है। क्या बातें कर रहे हो, सब कुछ रिकॉर्ड कर रहा हूँ मैं। अरे खुशी खुशी विदा करो। हाँ देखो रो पड़े ना, मैंने कहा था रो पड़ेंगे। चलो सबसे बड़ा तूने देश का नाम रोशन किया है कि तू ऐसी कंट्री में जा रहा है जहाँ पे कोई नहीं गया आज तक, है मामा? ऐसी कंट्री में जा रहा है जहाँ पे कोई आज तक कोई नहीं गया, हमारे में परिवार में से। हिम्मत नहीं हार नहीं, और वहाँ के प्रधानमंत्री का नाम रोशन करना है तूने, ठीक है ना? बस कर यार, खुश होके जाओ, सो कर उल्टे जा रहे, नहीं हाँ कोई। आयुष सुन बेटा, सुन मेरी बात सुन, मिल ले चल, मिल रोना नहीं, लेकिन चल भाई इसकी शक्ल दिखा पहले मेरे को, तो ये कह रहा था मैं बड़ा स्ट्रांग हूँ, मैं नहीं रोऊंगा। हाँ नहीं रोना, वेरी गुड, चल भाई। ये रो रही है क्या? हाँ रो पड़ी गई, ओए तेरी। चलो हंस के, हंस के भेजो, मेरे हीरो को हंस के भेजना, सबने मूड खराब करके नहीं भेजना। चल बेटा,
आई लव यू। आई लव यू टू। चल बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत आए बता दियो, उस कंट्री का प्रधानमंत्री मेरे को जानते हैं, ठीक है ना। कोई नहीं, कोई नहीं, गाड़ियाँ हटानी है वहाँ से। अब यहाँ से यूटर्न लेना है ऐसा नहीं? हाँ चलो 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 चल बेटा, हमारे देश का नाम रोशन करके आइयो, ठीक है। चल कुछ खा लियो। नहीं हाँ, बाय बाय। तो ऐसी कंट्री जा रहा जो आज तक कोई नहीं गया। चल बेटा बाय बाय। चलो भाई सारे हंस के बोलेंगे। आयुष 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 आयुष, सारे करो यार, कमाल बेइज्जती कराते हो। कहाँ पर गया, कहाँ है, कहाँ हीरो का है? वो तो कह रहे 6 नंबर से जाएगा। तो है यहाँ से गया, कहाँ पर है? बाय बाय आयुष, बाय 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 बाय। चल चल ठीक है, चल ठीक है भाई, ध्यान रख, ठीक है ठीक है। दोस्तों ये आप सबके साथ एक प्यारा सा मजाक था, मेरा भाई जा रहा है कनाडा, जो हर बंदा जाना पसंद करता है, बहुत प्यारी कंट्री है, बहुत सुंदर कंट्री है। नोनी कनाडा में किस जगह जा रहा है आयुष? ब्रैंटफोर्ड। बहुत बढ़िया यार, जनता के जनता को उसने धीरे बोला था ना बेटा, और तू भी बोल के दिखा दे कौन सी कंट्री जा रहा है गुड्डू। अच्छा पूछ के बताया तूने भी। और हाँ दोस्तों जरूरी बात, अगर आपको भी कनाडा में प्रमोशन करवानी है अपने तहलका भाई से, इंस्टा आई नीचे आ गई, मैसेज करो और तहलका मचाने कनाडा आएंगे फिर बढ़िया तरीके से। और आपको पता ही है हिंदुस्तान में तहलका किसने मचा रखा, आपके तहलका भाई ने, सही है। तो ठीक है दोस्तों, वीडियो को दबा के शेयर मारना, तहलका मचाता रहूँगा, आप सबको हंसाता रहूँगा। और जल्दी आपका भाई कनाडा आ रहा है, आपके भाई की इंस्टा आई नीचे आ रही, फॉलो कर लो, सही है। फेसबुक से लेके यूट्यूब तक छारा, वो है हमारा तहलका भाई, करता है केयर, दे दो तुम देयर, कॉमन नहीं ये तो बंदा है रेयर, दिल्ली का लौंडा ये सबसे अलग है, तहलका मचाता है ये तहलका मचाए।